देखिए क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक सीख गए तो दूसरा भी सीख जाएंगे और इसकी ट्रिक भी होती है। द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म जब भी बोले जाए सीधा और नॉन इंटीग्रल बोले जाए तो भी, जैसे आपको यह पता है कि इसमें टोटल 257 टर्म मिलेंगे, पहले ट्रिक सीख लीजिएगा फिर लॉजिक बता दूंगा। ये जैसे 3 की पावर 1/2 है और ये 5 की पावर 1/8 है, होल पावर 256। ये जो भी नंबर दिए गए हैं आप सबसे पहले बताइए 2 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 8। तो सिंपल लॉजिक 256 / 8 यानी 32 प्लस 1 कर दीजिए आंसर आ जाएगा, यानी 33 इज द राइट आंसर। और नॉन इंटीग्रल बोले तो -33 कर दीजिए, वो भी एक चीज याद रखिएगा, मतलब कई लोग इसमें भी कंफ्यूज जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अगर नॉन इंटीग्रल बोले तो 7 - 3 करेंगे तो 4, 5 - 3, 2 एंड 2, 24। अगर नॉन इंटीग्रल पूछे, और इंटीग्रल टर्म का मतलब होता है ऐसा टर्म जिसमें x या y या 3 इनकी पावर में फ्रैक्शन ना हो। जैसे कभी क्वेश्चन दिया x की पावर 1/2 + y की पावर 1/3, ठीक है, सपोज होल पावर है 264, राइट। अब आपसे फाइन इंटीग्रल टर्म पूछा है तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि 264 दिया, आप इन दोनों में 2 और 3 का एलसीएम बताइए क्या होगा, 6, तो 6 का डिवाइड करिए, ये आपने 6 का डिवाइड किया, 6 × 4 = 24, 2 एंड 24, 44। जो भी नंबर आए उसमें प्लस 1 क्यों करते हैं वो भी बताता हूं, तो ये आ गया 45 टर्म जो है वो इंटीग्रल टर्म है, और नॉन इंटीग्रल टर्म बोले तो 265 - 45, ये नॉन इंटीग्रल टर्म होते हैं। नॉन इंटीग्रल टर्म मतलब जिनमें फ्रैक्शन हो, उसका रीजन होता है कि पहला टर्म T0 होता है जो फ्रैक्शन फुली होता है, वो भी हमें ऐड करना होता है। तो जब भी कभी नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म पूछें आप बहुत स्पीड में कर सकते हैं, मान लीजिए x की पावर 1/3 y की पावर 1/4 होल पावर मान लो मैं आपको दे दूं 300, तो सिंपल 3 और 4 का एलसीएम हुआ 12 का इसमें, बस ये जो जब भी देंगे क्वेश्चन तो ऐसा देंगे कि ये 12 से डिवाइड हो जाए, जैसे ये हो रहा है कि नहीं देख लीजिए, 300 / 12, 12 × 2 = 24, 6 × 5 = 25, प्लस 1 कर दीजिए तो 26 नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म मिलेंगे, और अगर नॉन इंटीग्रल बोले तो 301 - 26 कर दीजिए तो नॉन इंटीग्रल टर्म आपको पता चल जाएंगे।